द बोबा फेट के एपिसोड 6 को हम कवर कर चुके हैं और अब इसका फाइनल एपिसोड आ चुका है, जिसे कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ये एपिसोड इस सीरीज का फाइनल एपिसोड होने वाला है, पर उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है उसी सेंचुरी से जिसे कि पिछले एपिसोड में पाइक्स ने उड़ा दिया था। बोबा और मैंडो यहाँ पर उस जगह पर जा रखे होते हैं, वहाँ पर उनकी बागी की टीम भी होती है। तो बोबा कहता है कि अब पाइक्स उन पर हमला करने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें अब अपने महल में छिपना चाहिए। तो बोबा के बाकी साथी उससे कहते हैं कि उन्हें यहीं पर रहकर पाइक्स से लड़ना चाहिए ताकि शहर वालों को प्रोटेक्ट कर सकें। तो बोबा उनकी बात मान जाता है, जिसके बाद कि कैट बैन दिखता है जो कि पाइक्स के पास जाता है, जहाँ कि वहाँ का मेयर भी होता है। तो पाइक्स का लीडर बैन से कहता है कि तुम बाकी लोगों को बोबा के साथ मिलने से रोक दो। आती बात ही बातों में वो बताता है कि टस्कन रेडर्स को पाइक्स ने ही मारा था और नाम उन्होंने स्पीड रेडर का लगा दिया था। अगले सीन में हमें ग्रोगू दिखता है जो कि एक्स विंग लेकर मैंडो से मिलने इस प्लैनेट पर आया होता है। ग्रोगू टैली के पास पहुँचता है। ग्रोगू एक रोबोट की मदद से उस एक्स विंग प्लेन को उड़ाकर यहाँ लाया होता है। साथ ही उसके पास मैंडो का दिया हुआ आर्मर होता है, जिसे कि पिछले एपिसोड में स्काई वॉकर ने ग्रोगू को जो ऑप्शन दिए थे उसमें से ग्रोगू ने मैंडो का आर्मर चुना है। दूसरी ओर सेंचुरी में फेनिक्स एंड मैंडो और बोबा को बताती है उन्होंने अपने आदमियों को सारे इलाके में फैला दिया है ताकि पाइक्स की जानकारी उन्हें मिल सके। उसके कुछ देर बाद वहाँ पर कैट बैन उनसे मिलने आता है। कैट बैन बोबा को बताता है कि टस्कन रेडर ने ही पाइक्स को मारा है और नाम उन्होंने स्पीड रेडर का लगा दिया है। साथ ही कहता है कि बोबा पाइक्स के सामने झुक जाए, पर बोबा उसके सामने झुकने से मना कर देता है। साथ ही कैट बैन बोबा को काफ़ी उकसाता है ताकि वो उसे लड़ाई कर सके, पर बोबा शांत रहकर उसे वहाँ से भेज देता है। साथ ही बोबा की जो बाकी टीम होती है जो कि उस इलाके में चारों ओर फैली होती है, उन्हें वहाँ के लोकल ग्रुप घेर लेते हैं और उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात डैश बोबा और फेनिक्स एंड को बताती है। साथ ही क्रेसेंट और कमोरियन गार्ड्स भी घिर चुके होते हैं और उन पर भी अटैक हो रहे होते हैं और लोकल ग्रुप्स कमोरियन गार्ड्स को पहाड़ी से गिरा देते हैं, जिसके बाद कि फेनिक्स एंड मेयर के आदमी से पूछती है कि मेयर कहाँ मिलेगा, तो बताता है। दूसरी ओर सेंचुरी में पाइक और बस्ती वाले बोबा और मैंडो को घेर लेते हैं और बोबा मैंडो से कहता है कि उसे अगर यहाँ से जाना है तो जा सकता है, और मैंडो उससे कहता है कि वो उसके साथ लड़ेगा, जिसके बाद मेयर का आदमी पाइक से बात करने जाता है। तो बोबा उसके पास पाइक को डराने वाली स्क्रिप्ट लिखकर उन्हें भेज देता है और बोबा और मैंडो हवा में उठकर पाइक के आदमी को मारने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद पाइक के लोगों की संख्या बढ़ने लगती है और वो बोबा और मैंडो को कमज़ोर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मार्शल के कुछ लोग आ जाते हैं और बोबा और मैंडो को उन लोगों से बचा देते हैं। साथ ही वहाँ पर क्रेसेंट भी आ जाता है जो कि उन लोगों को मारते हुए वहाँ पर आता है। कुछ देर बाद पाइक्स के कुछ लोग वहाँ से पीछे हटने लगते हैं और वहाँ पर कुछ एडवांस मशीनें वहाँ पर आ जाती हैं जो कि काफ़ी हैवी फायरिंग करने लगती है। बोबा और मैंडो और बाकी सब उन मशीनों पर काफ़ी फायरिंग करते हैं पर उन पर कोई भी असर नहीं होता, जिसके बाद कि टैली वहाँ पर आती है जो कि ग्रोगू को वहाँ पर लेकर आई होती है। साथ ही मैंडो वहाँ पर उन मशीनों का ध्यान डाइवर्ट करता है। बोबा वहाँ से चला जाता है और रैंकोर को वहाँ लाता है जो कि इन मशीनों को तोड़ने लगता है। दूसरी ओर मैंडो अकेले उस मशीन से लड़ने लगता है पर वो मशीन मैंडो पर हावी होने लगती है। तभी वहाँ पर ग्रोगू अपने मैजिक से उस मैंडो को बचा देता है, जिसके बाद की कार्ड बन आता है जो कि रैंकोर को आग से हमला करके वहाँ से डरा देता है, जिसमें कि बोबा रैंकोर से नीचे गिर जाता है। रैंकोर पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। साथ ही बोबा और बैन कार्ड में फाइट होने लगती है और कार्ड बैन बोबा पर भारी पड़ने लगता है, पर बोबा एंड में उसे गर्ल स्टिक से मार देता है। मैंडो रैंकोर को शांत कराने की कोशिश करता है पर रैंकोर मैंडो को नीचे गिरा देता है, पर ग्रोगू वहाँ पर आकर अपने मैजिक से रैंकोर को शांत कर देता है। दूसरी ओर फेनिक्स एंड मेयर के अड्डे पर जाकर उन सभी लोगों को मार देती है और ये लड़ाई यहीं पर एंड हो जाती है। एंड में फेनिक्स एंड और बोबा शहर में जा रहे होते हैं
और लोग उनके सामने झुक रहे होते हैं। और यहीं पर एपिसोड 7 का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।